छोटी बच्ची हो क्या? ये तुमने कैसे बजाई? ये धुन मुझे आती है, माने मुझे सिखाया था, बताओ। छोटी बच्ची हो क्या? हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिमल और मनीषा की है। इन दोनों ने कुछ महीनों पहले शादी कर ली थी और कम एज के जब इन दोनों बच्चों ने शादी की तो इनकी फैमिली ने भी इनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले जब सिमल को मनीषा छोड़कर भाग गईं, उसके बाद सोशल मीडिया पर इनके फैंस में खलबली मच गई। सुनने में आया है कि अब तो सिमल ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है, तो क्या हुआ था इनके बीच और क्या है इनकी असली कहानी, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम पसंद आ गई हो मुझको, तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अम्मी को? सिमल का जन्म झारखंड के जमशेदपुर के चारबासा की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनकी फैमिली में इनकी माँ और एक बहन हैं। सिमल अपनी स्कूली पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से कर रहे थे, लेकिन जब ये अपनी कम उम्र में शादी और प्यार के चक्कर में पड़े तो इन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सिमल जिस लड़की से प्यार किया करते थे, उस लड़की का नाम मनीषा है। मनीषा और सिमल सोशल मीडिया पर साथ साथ वीडियो बनाते थे और वीडियो बनाते बनाते ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब सिमल और मनीषा को एक दूसरे से प्यार हुआ था, उस समय सिमल की उम्र 15 साल और मनीषा की उम्र 14 साल थी। लेकिन तभी मनीषा के घर वाले किसी और जगह जाकर शिफ्ट हो गए। मनीषा के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने के बाद सिमल से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपने एक दोस्त के साथ सीधा मनीषा के घर पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने मनीषा से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मनीषा ने सिमल को हाँ में जवाब दिया। ये जवाब सुनते ही सिमल ने मनीषा के गले में मंगलसूत्र और मांग भर दी। अचंभे की बात तो ये रही कि मनीषा के घर वाले उस समय ये सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन फिर भी मनीषा के घर वालों ने सिमल से कुछ नहीं कहा। जब सिमल मनीषा को लेकर खुद के घर पहुंचे तो इनके घर वालों ने भी मनीषा और सिमल को आराम से एक्सेप्ट कर लिया। इन दोनों की पहले लव स्टोरी और फिर शादी और उसके बाद मनीषा का भाग जाना काफी अजीब रहा। शादी के लगभग 2 महीने बाद तक मनीषा और सिमल साथ रहे, लेकिन एक रात मनीषा सिमल के घर से भाग गईं और जिसके साथ ये भागी थीं उस लड़के का नाम रोहित था। रोहित पहले कभी सिमल का दोस्त हुआ करता था। मनीषा के भाग जाने के बाद भी सिमल मनीषा का इंतजार करते रहे, लेकिन मनीषा वापस लौटकर नहीं आई। उसके बाद सिमल अलग अलग लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते रहे। उसी बीच सिमल को फिर से एक रेखा नाम की लड़की से प्यार हो गया। रेखा का निकनेम अंकु भी है। सिमल रेखा को अंकु कहकर ही बुलाते हैं। जब शुरुआत में सिमल को रेखा से प्यार हुआ था तो कुछ दिनों तक सिमल ने रेखा का फेस रिवील नहीं किया था। इसका कारण ये था कि सिमल को डर था कि फेस रिवील करने से दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड मेरे किसी दोस्त के साथ ना भाग जाए। दोस्तों, कम उम्र के बच्चे एक दूसरे से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। आज सिमल के इंस्टाग्राम पर 1,25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर इनके 1,38,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सिमल, मनीषा, रोहित और रेखा, ये कम उम्र के बच्चे, क्या इन लोगों का पढ़ाई छोड़कर अभी से शादी करना सही है? इसमें आप लोग अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्टेड रहें। देखो गाइस, ये मेरा भाई है, मेरी जान है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसके लिए कभी भी किधर बस।